बेटा आने वाला है। घर में किसी को बताया? गाड़ी निकालो। बेटा आने वाला है। डेमोक्रेसी और राजनीति में अंतर पता है तुम्हें? दोनों के दोनों साले संडास, एक अंग्रेजी तो दूसरा देसी। फैला के बैठो, माल तो एक ही निकलना है। और सुनो सुनो, बेटे को बोलना फैला के बैठे, बैठ के ना फैलाए। राजनीति है राजनीति। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी। राजनीति के दलदल में भोगले परिवार कई अपनों को गवा चुका था, लेकिन इस जुए के नशे से उनकी भूख अभी तक मिटी नहीं थी। शायद इस बार एक और राजा का अभिषेक देखना बाकी था। ये जो कॉलेज में अनिरुद्ध ने लड़ाई झगड़ा करवाया है, इसको लेके मीडिया में मुद्दा खड़ा नहीं होगा? और उसके बाद कितना प्रतिशत चांस रहेगा कॉलिशन में जीतने का? लोकसभा चुनाव में जीत हमारी है, पक्की है। नहीं, कीर्ति का आपसी बाजी मार जाएगा इस बार। अभी भी वक्त है, रोक लीजिए। मतलब कहना क्या चाहता है तू? साला जनता हमारे साथ है, जनता की पावर जानता है ना तू? जनता हमारी, पुलिस हमारी, और कुर्सी खींच कर ले जाएगा वो? हाँ, वही खींच ले जाएगा। पूरा माइनॉरिटी है उसके साथ, गली गली छान मारा है उसने एक वोट के लिए। परी बाबा होश में आइए, होश में। तो तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? अनिरुद्ध को हटाइए इस बार जीएस के पद से, और उसके जगह बिठा दीजिए अभिमन्यु को। अभिमन्यु, तू पागल तो नहीं हो गया है? अरे राजनीति का मतलब पता भी है उसे? नहीं पता है तो पता चल जाएगा, आखिर में आपकी जगह तो उसी को तो लेना है। वो लोग अगर माइनॉरिटी के वोट से जीतना चाहते हैं तो हम बनाएंगे यूथ आइकॉन। स्टूडेंट जान है समाज के, इनकी आवाज अगर आवाम तक पहुंच जाए तो बाजी हमारी है। सोचे मत परी बाबा, सोचे मत। कब तक घूमता फिरेगा वो आशिक बनकर बेचारा में गिटार टांग के?
यही मौका है, ऐलान कर दो जंग का, बना दो सही उतार को। ब्रांडिंग का जमाना है साहब, ब्रांडिंग से साबुन तेल तो क्या पूरा देश बिक जाता है अच्छे भाव पे। और अनिरुद्ध का क्या? वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए परी बाबा, अपना बेटा है, रेल में नौकरी दिला दूंगा, मान जाएगा। ए भुटकिया, क्या बे अभिमन्यु को देखा? साला दिखता ही नहीं आजकल। भैया सवेरे फिलोसफी क्लास के बगल में गिटार बजाते देखे थे। चक्रव्यूह घुस गया क्या? जब देखो लड़कियों की आड़ में बैठा रहता है, उसको बोल बाहर निकलने को, अभी नहीं निकला तो कभी नहीं निकल पाएगा। चल बुला के ला उसको। किधर है? किधर वो? भैया वो नहीं आएगा भैया। क्यों बे, चूतिया बैठे क्या हम? बोल अमित भाई बुला रहे हैं, चल। अरे अमित भैया आपको नीचे बुला रहे भैया। हाँ बोल दो उन्हें 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे भैया अभी बुला रहे हैं आपको। हाँ तुझे बोला ना 10 मिनट में आ रहा हूँ, बोल दो उन्हें, तू जाना। हद है ना तेरी, जाएगा नहीं, जा आ रहा हूँ। क्या रे जॉन लेनन, दिखता नहीं आजकल? अरे नहीं अमित भैया ऐसी बात नहीं है, अरे देखो ना कुछ लिखा है, सुनो ना। बुलेटों की छनकार ने मेरे बिखरे हुए सीने में बनाया जो मानचित्र, उस परिचय का नाम है भारतवर्ष। मेरे खून की हर बूंद से, मेरे पसीने प्यार इकरार से लिखी गई जो कहानी, उस मुल्क का नाम है भारतवर्ष। मेरे आंसुओं की सिंचाई से बर्तनों के फॉस्फेट तक, भूखी नंगी आदिवासी भाई बहनों की जो कहानी, उस देश का नाम है भारतवर्ष। मेरे शीतल होठों पे मौत का खौफ लाई जो सुर और कविताएं, उस विश्वास का नाम है भारतवर्ष। डिगबॉय के खनिज से होते हुए हिमालय सुंदरबन गंगा गोदावरी कावेरी भाखड़ा नंगल के बांध तक लिखी गई हर असमाप्त कहानी का नाम है भारतवर्ष। हिंदुओं के राम से होते हुए इस्लाम के रमजान तक कुर्बान हुए जो शहीद, उस मां का नाम है भारतवर्ष। गुजरात बॉम्बे कलकत्ता से लेकर चेन्नई दिल्ली तक जिहाद कुरुक्षेत्र के नाम पे खेली गई जो खून की रंगोली, उस त्योहार का नाम है भारतवर्ष। क्या बात है, क्या बात है भाई। अच्छा सुन, सुना तेरे बाप ने अनिरुद्ध को निकाल दिया तुझे लेने के लिए? अरे मुझे क्या पता पॉलिटिक्स के बारे में बेटा, हम थे इसीलिए बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स के दलदल में मत उतर, बड़ी घटिया चीज है पॉलिटिक्स का डंडा ना, एक बार घुस जाता है तो चीर के निकलता है। गिटार हो जाता है, गाना गाता है, कविता लिखता है, वो सब कर। चल चल। और सुन, एमजी रोड पे तेरे जैसा एक बंदे को जानता हूं मैं, दिगंबर दत्ता, फुल तेरे टाइप का आदमी है, एकदम रेवोल्यूशनरी। उसे जाके मिल, शायद तेरा कुछ काम बन जाए। ठीक है भैया मिलता हूं। और सुन
सुट्टा पीना चालू कर दे, इट किल्स। ज्यादा देर झेला नहीं पड़ेगा इस नरक की महक को। चल चल निकल। किस बात की? अनिरुद्ध के किसी भी करीबी को मरवा दो, इल्जाम तो भोगले पे ही लग जाएगा। और खींच लो अनिरुद्ध को अपने। कुर्सी कुर्सी कुर्सी, यहां भी कुर्सी वहां भी कुर्सी, ट्रेन की कुर्सी बस की कुर्सी, खींच रहे हो तुम भी कुर्सी, लाइन में खड़ी खड़ी है कुर्सी। एक्सक्यूज मी जी, मैं अभिमन्यु भोगले, सिद्धार्थ राजन ने मुझे आपके बारे में बताया था। मैं गिटार बजाता हूँ, गाने लिखता हूँ, जनक के बहुत सारे प्लेस देखे हैं मैंने। कंधे पे गिटार के लटका दिया तो सोचा रेवोल्यूशन शुरू करेंगे। जनक के दो तीन प्लेस देख लिए तुम्हारे ऐसा बनना चाहोगे? लेकिन मैं तो सुनो, हम कम्युनिस्ट थे हैं और रहेंगे, तुम जैसे कैपिटलिस्ट लोगों की हमारी जरूरत नहीं है। अरे जाओ भाई जाओ। परीक्षित भोगले का बेटा हूं,
इसमें मेरी गलती नहीं। मैं अपने देश को लेकर क्या सोचता हूं, कैसे सोचता हूं, ये मेरी गलती है और मैं गलत नहीं सोचता। और कौन कहता है कि गिटार से क्रांति का ऐलान नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ एक अभिव्यक्ति है। चलो हो जाएगा, आप चिंता ना करिए। हाथ पैर और आंख बंद करके रख, ठीक है, जगह का पता नहीं चलना चाहिए जी। जवान कौन है, कभी भी खा सकता है। तो भैया को भेजू क्या साड़ी पहनवाने को? देखो अनिरुद्ध, हम माइनॉरिटी हैं। पिछले 1,500 साल से हमारे साथ सिर्फ गद्दारी ही होती आई है। महाभारत से तुम कर्ण को ही ले लो, क्या हुआ? हाँ,
मार दिया था ना सालों ने, तब भी हम कुछ नहीं किए, सिर्फ सहते रहे। साले हमारे हाथ का पानी नहीं पीते थे, कभी भी शिक्षा नहीं मिली, हमारी मां और बहनों को रांड बना के बाजार में बेच देते थे फड़वे साले, तब भी हम कुछ नहीं, इनकी उंगलियों के इशारों पे घूमते रहे। देश को स्वतंत्र हुए 60 साल हुए, और बदले में क्या मिला हमें? 12.5% कोटा, 1000 साल का लॉस 60 साल में कैसे भर सकता है कोई? वहां नक्सलवादी में जंग शुरू कर दी थी हमारे भाइयों ने, अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे वो, उनको भी टेररिस्ट घोषित कर दिया। अनिरुद्ध तुमसे हमारी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, ना तुम हमारे कोई जिगरी दोस्त हो, लेकिन पैदाइशी ना सही, तुम भी तो माइनॉरिटी हुए ना, छीन लिया ना जी इसका पद, दिला दी ना रेलवे में नौकरी, क्या करोगे नौकरी का? आचार डालोगे क्या? क्यों जीना तुमसे तुम्हारा पद? क्योंकि तुम माइनॉरिटी हो, गरीब हो, इसलिए तुमसे तुम्हारा पद छीनकर अपने बेटे को दिया उसने। लेकिन हम ये सब बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, ये क्रिटिक आपसे का प्रतिज्ञा है तुमसे। छीन लेंगे वक्त आने पे, हल्ला बोल के
हेलो, विल यू प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन? ना स्क्रिप्ट पे ध्यान है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ बोल रहा है. व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? पापा ने जीएस के पद के लिए मेरी टिकट पक्की कर दी है. कल कोई ईवीएम मशीन लेके इलेक्शन ऑन ड्यूटी सुपरवाइजर भी आने वाला है. द्वारी बोल रहा था कि 500 वोट के बाद हर मशीन में कोई भी बटन दबाओ सभी वोट मुझे ही मिलेंगे. पता नहीं क्या होगा. अच्छा एक बात बताओ, मैं इस पद के लिए ठीक हूँ क्या? मुझे नहीं पता. क्या नहीं पता? तुम्हें पता है पापा को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है. एंड ही डजंट वांट मी टू कैरी ऑन विद यू. ही इज जस्ट गोइंग ऑन योर कास्ट क्लास एंड ऑल. व्हाट बुलशिट. तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा. ट्रस्ट मी. क्या ठीक हो जाएगा? वो चुप है क्योंकि अभी इलेक्शन सर पे है. एंड ही डजंट वांट टू मेस विद मी राइट नाउ. समटाइम्स आई फील दैट इवन माय डैड इज यूजिंग मी. ये हमारे मंत्री लाल. गरीबों का खून चूसते देखो अपना हाल क्या बना डाला. मैं हूँ लाला. देश का बजट बनाने वाला मैं तो हूँ. शेयर बाजार उठाने और गिराने वाला मैं हूँ लाला. बिस्तर से तो उठ चुके हो, नींद से कब जागोगे भैया? माँ बहनों की गाली सुन के कब तक खुद को बचाओगे भैया? राजतंत्र चल रहा है यहाँ गणतंत्र के नाम पे. स्वतंत्र के अवसर पे खड़े रहो 2 मिनट शांति से. शांत नहीं रहेंगे हम बैठा कुर्सी टांग के. हम अपना छीन लेंगे वक्त आने पे हल्ला बोल के. हल्ला बोल, हल्ला बोल. देखो मुझे ये लोग बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं. क्यों? अब क्या हो गया? मुझे बस ये सब चीज अच्छी नहीं लगती. तुम्हारा ये लड़ाई झगड़ा, मैं नहीं चाहती तुम इस सब में पढ़ो. देखो साक्षी, जब नेवर फेस बड़ा है फेस टू अचीव दिस प्लेस. हफ्ते भर में चुनाव है और मुझे लगा तुम मुझे हौसला दोगी. बहुत अच्छा लगता था ना जब कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स मेरे सिगरेट ना पीने पे हंसते थे मुझ पे, ना मर्द बोलते थे मुझे ना मर्द. पर मैंने कुछ नहीं कहा, सहता गया. पर आज जब मेरी कुछ करने की बारी आई है तो तुम मुझे पीछे खींच रही हो. देखो ऐसी कोई बात नहीं है. एंड स्टॉप गिविंग दीज हेला एलिगेशंस टू मी राधा. इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ अ रियल मैन विद सम बॉल्स ना, देन गो टेल योर फादर एंड डिनाई हिज प्रपोजल फॉर वंस. और वो तो तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम बदल चुके हो. और जो इंसान बदल जाए वो इंसान इंसान नहीं होता है. दे आर कॉल्ड बास्टर्ड्स. आप फटफड़ा के लिए अंग्रेजी में तब तो आपको अपना जान के बीच में रखनी थी. आज का हुआ बेटा. गाली अगर अंग्रेजी में दी जाए ना तो वो गाली गाली नहीं रहती, बॉस बन जाती है. पर बॉस तो सभी के पास होती है, बस साइज और जगह बदल दो तो वो मर्द बन जाते हैं. सकते हैं
ये बच्चे तो क्या वहां तक बैठे थे अपने, लेकिन इस बार बिकेगा साफ से, एक बार भी मुझे गया तो अपने परिवार को हार से कोई नहीं बचा सकता, और दुनिया को लगना चाहिए इसके पीछे हमारा नहीं किसी का, एक बार चिंता देखिए हो जाए पतये अंबिका पतय उमा पतये पशुपतये नमो Show.
Thank you.
हाँ माँ ठीक है। हाँ मुझे आ जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। फ्लेक्स फ्लेक्स दिया हुआ है छप्पा निकले। कल प्ले है ना, फाइनल है कल। रिहर्सल देर हो गई थी आज। आपने खाना खा लिया? Yeah.